पुस्तक का नाम संक्षिप्त मनुस्मृति, लेखक डॉक्टर मंगत राय गोयल, वाचक निर्मल मिश्र। प्रस्तावना। मनुस्मृति मानव धर्म का एक उत्कृष्ट ग्रंथ रहा है, परंतु इसमें समय समय पर कुछ लेखकों ने इसके मूल श्लोकों की व्याख्या करने के तात्पर्य से अपनी अपनी समझ और विचारों के अनुसार अतिरिक्त श्लोक जोड़कर इसे इसके मूल रूप से कई गुना विस्तृत कर दिया। परिणाम स्वरूप मनुस्मृति का जो संस्करण आजकल उपलब्ध है वह विवाद का विषय बना हुआ है। बहुत से विद्वानों का यह विचार है कि मनुस्मृति के मूल संस्करण की खोज की जाए, जिससे मानव धर्म जो कि एक वैज्ञानिक धर्म है उसका प्रचार किया जा सके। मनुस्मृति के मूल संस्करण की खोज करना कोई सरल कार्य नहीं है। मनुस्मृति का संक्षेप करने में मेरा उद्देश्य रहा है कि संक्षिप्त मनुस्मृति मूल मनुस्मृति में उद्धृत विचारों का संचार करे। मनुस्मृति के आजकल उपलब्ध संस्करण में 2500 से अधिक श्लोक हैं, जिनमें से संक्षिप्त मनुस्मृति में लगभग 200 श्लोक रखे गए हैं। पहले 9 अध्यायों के श्लोक उपलब्ध मनुस्मृति के क्रमशः पहले 9 अध्यायों में से लिए गए हैं। 10वें अध्याय के श्लोक उपलब्ध मनुस्मृति के 11वें और 12वें अध्याय में से लिए गए हैं। प्रथमोध्यायः आसीदिदं तमोभूतम् अप्रज्ञातमलक्षणम् अप्रतर्क्यमविज्ञेयम् प्रसुप्तमिव सर्वतः। पहले यह अज्ञात निर्गुण सभी ओर से सोया हुआ सा अंधकार रूप था, जो तर्क तथा विज्ञान से परे था। ततः स्वयंभूर भगवान अव्यक्तो व्यंजयन निदम् महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासी तमोनुदः। उससे अंधकार को दूर करने वाला, महाभूतों आदि को शक्ति प्रदान करने वाला, स्वयंभू स्वयं होने वाला अव्यक्त भगवान इसे व्यक्त करते हुए प्रकट हुआ। योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो चिन्त्यः स एव स्वयमुद्भवौ। जो वह इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, अर्थात देखा सुना सूंघा चखा या छुआ नहीं जा सकता, सूक्ष्म अव्यक्त सनातन सर्वभूतमय सभी जीव जिसका स्वरूप है और अचिंत्य चिंतन से परे है, वह ही स्वयं उत्पन्न हुआ। यत्तत् कारणमव्यक्तम् नित्यम सदसदात्मकम् तद्विसृष्टः सपुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते। जो वह अव्यक्त सदा रहने वाला सत तथा असत रूप कारण है, उससे जो उत्पन्न हुआ है वह पुरुष इस लोक में ब्रह्मा कहा जाता है। उद्बबरहात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम् मनसश्चाप्यहंकारम् अभिमन्तारमीश्वरम् महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणां ग्रहित्रीणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च। उसने आत्मा से ही सत तथा असत रूप मन उत्पन्न किया। मन से अपने आप को ईश्वर और महान समझने वाला अहंकार और सभी त्रिगुणात्मक वस्तुएं तथा धीरे धीरे विषयों का अनुभव करने वाली 5 इंद्रियां उत्पन्न की। तेषां त्वयवान सूक्ष्माण षण्णामप्यमितौजसां सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे। उन अत्यंत शक्तिशाली 6 अहंकार और 5 इंद्रियों के सूक्ष्म अवयवों को आत्मा की इकाइयों में निवेश करके सब जीवों का निर्माण किया। यन मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास तस्ये मान्याश्रयन्ति षट्
तस्मात् शरीरमित्याहुस् तस्य मूर्तिम् मनीषिणः, क्योंकि उसकी मूर्ति के सूक्ष्म अवयव इन छहों पर आश्रित होते हैं, इसलिए मनीषी लोग उसकी मूर्ति को शरीर कहते हैं। तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्म भी मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूत कृतव्ययम्। कर्मों के साथ महाभूत और सूक्ष्म अवयवों से सब जीवों को बनाने वाला अव्यय मन उसमें प्रवेश करते हैं। अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु या स्मृताः ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः। पांच भूतों की जो विनाश होने वाली छोटी छोटी इकाइयां समझी जाती हैं, उनके साथ यह सारा संसार क्रम पूर्वक उत्पन्न होता है। पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः। पशु मृग दोनों प्रकार के ऊपर और नीचे के दांतों वाले व्याल, शेर, चीता आदि, राक्षस, पिशाच और मनुष्य जरायुज हैं। अंडजाह पक्षिणा सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च। पक्षी, सर्प, मगरमच्छ, मछलियां, कछुए और इस प्रकार के अन्य स्थल पर और जल में रहने वाले प्राणी अंडज हैं। स्वेदजम दंशमशकम यूका मक्षिक मत्कुणम ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत् किञ्चिदीदृशम्। डंक मारने वाले कीट, मच्छर आदि, मक्खियां, जुए, खटमल और ऐसे अन्य जीव स्वेदज हैं। ये गर्मी और नमी से पैदा होते हैं। उद्भिज्जा स्थावरा सर्वे बीज कांड प्ररोहिण औषध्य फल पाकांता बहु पुष्प फलोपगा। सभी स्थावर बीज अथवा कांड से उगने वाले औषधियां, फल वाले वृक्ष, फूलों और फलों वाले पौधे उद्भिज हैं। तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। कर्म के कारण बहुत प्रकार के अंधकार से घिरे हुए होने से इनकी संज्ञा अंतर्निहित होती है और ये सुख और दुख का अनुभव करते हैं। भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनाम बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणा स्मृताः। सभी जीवों में सांस लेने वाले श्रेष्ठ हैं। सांस लेने वालों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं। बुद्धिजीवियों में नर श्रेष्ठ हैं और नरों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गए हैं। ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। ब्राह्मणों में विद्वान श्रेष्ठ हैं, विद्वानों में वे श्रेष्ठ हैं जिन्हें बोध हो गया है। बोध होने वालों में कर्मयोगी श्रेष्ठ हैं और कर्मयोगियों में ब्रह्म को समझने वाले। आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। श्रुतियों, वेदों आदि और स्मृतियों में कहा गया आचार ही परम धर्म है, इसलिए द्विज को सदा इससे युक्त और आत्मवान रहना चाहिए। आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। आचार से हीन विप्र वेद के फल को प्राप्त नहीं करता और आचार से युक्त पूरे फल का भागी होता है। एवमाचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् सर्वस्य तपसो मूलम् आचारम् जगृहुः परम्। इस प्रकार आचार के आधार पर ही
धर्म की गति को देखकर मुनियों ने सभी तपस्या का परम मूल आचार को ही माना है। इति प्रथमोध्यायः। पुस्तक का नाम संक्षिप्त मनुस्मृति, लेखक डॉक्टर मंगत राय गोयल, वाचक निर्मल मिश्र।